ममता ने ईद के मौके पर दंगे की बात की। ममता ने कहा, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, दंगे करा सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी नेताओं के भड़काऊ बयानों को अनसुना कर दें, कूल रहें, शांत रहें, तृणमूल कांग्रेस के साथ रहें। ईद मुबारक का साथ साथ में पहला वैशाख आ रहा है, शुभ नववर्ष, और हमारा फाउंडेशन डे बंगाल को आप लोगों को शुभकामना है। साथ साथ में अन्नपूर्णा पूजा भी है, लेकिन अन्नपूर्णा पूजा माता को हम श्रद्धा करते हैं। अरे लोग, किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है? कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल कुल, हम रहेगा कुल कुल। उसका दंगा फसाद का चक्रांत हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। यही बात में रहता है, हम तो छोटा आसमान चाहते हैं, सुंदर आसमान, जिसके लिए सब लोगों ने एक साथ में रहेगा। जय मंगला, जय मंगला, जय मंगला, हिंदुस्तान हम ही करेंगे और कोई नहीं। वादा रखिए, पहले कहा था आपकी बार 200 पार, हो गया 70 में खत्म, और अभी कहता है आपका बार 400 पार। मैंने बोला पहले 200 तो करो, उसका बाद 70 काटो। ममता बनर्जी के इस बयान का जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, सीए के नाम पर ममता बनर्जी लोगों को डरा रही हैं, जबकि सीए का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ममता जिस तरह की राजनीति कर रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि इस बार उनकी करारी हार होगी। बीजेपी तो ऐसे ही इंटर कर चुकी है, और कसके करेगी? सीए का कोई संबंध एनआरसी तो नहीं है। क्या वो नहीं चाहती हैं कि बांग्लादेश से आए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो अमानवीय त्रासदी से त्रस्त हैं, उनको देश में स्थान मिले? क्या ममता जी खाली रोहिंग्या का संरक्षण देना चाहती हैं, या संदेश खाली के शाहजहां शेख टाइप के लोगों को जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं, ये देख रहा है। इसलिए मैं ईद के दिन कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, सबको शुभकामनाएं, लेकिन बंगाल के नतीजे चौंकाने वाले होंगे और भाजपा बहुत बुरी तरह से ममता जी को, उनकी पार्टी को परास्त करेगी। रविशंकर प्रसाद की बात सही है कि सीए और एनआरसी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग इन बारीकियों को नहीं समझ पाते। जब से सीए आया है, मुसलमानों को यह कहकर डराया गया कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, तुमसे कागज मांगे जाएंगे। ममता बनर्जी अपने वोट बैंक को कायम रखने के लिए इसी डर का फायदा उठाती हैं, वो डरे हुए मुसलमानों को और डराती हैं। हकीकत यह भी है कि ममता बनर्जी फिलहाल संदेश खाली में महिलाओं पर जुल्म और जमीनों के कब्जों के मामलों से, उनकी सरकार के दौरान हुए घोटालों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती हैं। लेकिन संदेश खाली के मामले में तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि अब संदेश खाली के सारे मामलों की जांच हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी है, और सीबीआई ने आज ही एक मेल आईडी जारी की है। इस पर संदेश खाली के पीड़ित अपनी शिकायत सीबीआई को पहुंचा सकते हैं।